कोरोना की पहली लहर के समय दुनिया भर में ऐसे लोग जिनकी आजीविका छीन गई, उनमें से कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए विदेशों के कि उन्होंने घर के भरण पोषण के लिए चोरी चकारी की। भारत में भी मजदूरों की संख्या रोज कमाने और खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में कहीं कोई ऐसी घटना सुनाई नहीं दी। शहरों से गांव की ओर जा रहे मजदूर जब हाईवे के रास्ते अपने गांव जा रहे थे, तब हाईवे से सटे हुए गांव के कुछ लोगों को ऐसी आशंका हुई कि कहीं ये प्रवासी मजदूर हमारा गांव ना लूट ले। लेकिन इसका उल्टा हुआ। प्रवासी मजदूर जहां से निकल रहे थे, उस गांव का कोई धार्मिक स्थान यदि जीर्ण शीर्ण हो गया था तो उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। गांव जाकर जिस भवन में 14 दिन क्वारंटाइन रहे, उस पंचायत भवन या स्कूल की पुताई कर दी। कोई भी व्यक्ति इस काल में भूख से मरा है, ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण क्या है? कारण है भारतीयों के मन में स्थापित सेवा भाव। मालवा निमाड़ की सेवा तो और भी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ के निवासियों की रगों में नर्मदा मैया का जल प्रवाहित होता रहता है। नमस्कार, मैं अमन व्यास हूँ और आप सेवा डायरी देख रहे हैं। पहले एपिसोड में मैंने आपको मालवा प्रांत में संघ कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्था, समन्वय और ऑक्सीजन से लेकर अन्य सभी अस्पताल की व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि संघ कार्यकर्ताओं द्वारा मालवा प्रांत में कैसे भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही है। उज्जैन से शुरुआत करते हैं। माधव सेवा न्यास, जो महाकाल मंदिर से लगे हुए परिसर से संचालित होता है, माधव सेवा न्यास कोरोना की इस विपत्तिपूर्ण घड़ी में बहुत से पुण्य कार्य कर रहा है और इनमें सबसे मुख्य कार्य है कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। दरअसल माधव सेवा न्यास ने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ नंबर सार्वजनिक किए हैं, जिस पर कॉल करके ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य कोरोना से संक्रमित है और घर में भोजन बनाने तक की समस्या आ रही है, वे निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं। माधव सेवा न्यास के कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये एक ऐसे ही परिवार के मुखिया है जिनके घर में सभी कोरोना से संक्रमित है और माधव सेवा न्यास की ओर से इनके घर भोजन पहुंच रहा है। माधव सेवा न्यास कोरोना की दूसरी लहर के समय से ही भोजन व्यवस्था का कार्य कर रहा है। 14 अप्रैल से यह कार्य शुरू हुआ और अपने शुरुआती 11 दिनों में ही 1179 परिवारों तक न्यास ने 3769 भोजन के पैकेट पहुंचाए। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ सेवा भारती उज्जैन भी भोजन की व्यवस्था उज्जैन में कर रही है। उज्जैन सेवा भारती द्वारा लगभग भोजन व्यवस्था के 20 प्रकल्प पूरे उज्जैन में चलाए जा रहे हैं, जिसमें भिक्षुकों को, जरूरतमंदों को, मजदूरों को दोने पत्तल पर, शहर के मुख्य चौराहों पर या अन्य स्थानों पर भोजन कराया जा रहा है। दूसरी खबर सुनिए देवास की है। 20 से 30 मार्च के बीच की बात है। लॉकडाउन कुछ कुछ लगने लगा था। देवास के कुशाभाऊ ठाकरे मैदान में आर्मी के लिए भर्ती थी। देश के लिए प्राणार्पण करने के लिए निकल रहे इन नौजवानों के लिए वहाँ की स्थानीय शाखा के स्वयंसेवकों ने 10 दिनों तक बिना थके भोजन और आवास की व्यवस्था की। इसके लिए कार्यकर्ता 8-8 घंटे की शिफ्ट में सेवा देने आते थे। इसी तरह इंदौर में भी संघ के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बड़ा शहर होने के कारण संघ ने इंदौर को 4 भागों में बांट दिया है। सभी क्षेत्रों के लिए प्रभारी और उनकी टीम नियुक्त की गई है। ऐसे परिवारों की लिस्ट बनाई गई है जो रोज कमाने और खाने का काम करते हैं। उनके लिए सूखा राशन या जरूरी हो तो बने हुए भोजन के पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही सेवा भारती के कार्यकर्ता अस्पतालों में मरीजों के परिजन को भी भोजन और अस्पताल में जगह न होने पर उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। संघ की व्यवस्था के इतर संघ की रचना में जगन्नाथ जिले के स्टूडेंट विंग के स्वयंसेवकों ने जब देखा कि इंदौर आने और जाने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर आसपास की दुकानें बंद होने के कारण भोजन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पर स्वयंसेवकों ने नियमित भोजन की व्यवस्था शुरू की। इंदौर के निकट महू में भी उज्जैन के माधव सेवा न्यास की तरह ही कोरोना संक्रमितों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नीमच चलते हैं। नीमच में जिला चिकित्सालय है, इसलिए नीमच व आसपास के गांवों और सीमावर्ती प्रदेशों से कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी इसी अस्पताल में इलाज करवाने आते हैं। इन मरीजों के परिजन या अटेंडर को अस्पताल में भोजन की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए सेवा भारती नीमच ने जिला हॉस्पिटल के सामने एक डेस्क लगाई, जिसमें कितने लोगों को भोजन चाहिए, किस समय का भोजन चाहिए, इसके लिए पंजीयन किया जाता है।
सुबह और शाम को रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं अपने पैकेट बुक करवाने के लिए। सेवा भारती नीमच ने जो लोग डेस्क तक नहीं आ सकते उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मंदसौर में भी जिला चिकित्सालय है, वहाँ भी सेवा भारती के कार्यकर्ता अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। नीमच की तरह ही वहाँ पर भी पंजीयन किया जाता है और मरीजों के परिजनों को भोजन पहुँचाया जाता है। निमाड़ के बड़वाहा से लेकर बड़वानी तक स्वयं सेवकों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर भी संघ के कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं। अस्पतालों के अलावा पूरे प्रांत में जगह जगह जिन्हें जरूरत है उन्हें भोजन व आवास की व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर, जिनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया, यहाँ भी भोजन आदि की व्यवस्था जरूरत हो तो बनाने तक का कार्य स्वयंसेवक कर रहे हैं। मरीजों के परिजनों को रहने के लिए धर्मशालाओं, स्कूलों आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भोजन की व्यवस्था शहर से लेकर गांव तक की जा रही है। गांव जा रहे मजदूरों को भोजन के पैकेट से लेकर ग्लूकोज, रसना, अन्य पेय पदार्थ पिलाए जा रहे हैं। भिक्षुकों, मजदूरों को शहर के मुख्य चौराहों पर भोजन कराया जा रहा है। चप्पलें टूटने पर चप्पलें भी दी जा रही है। अगले वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते, वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था संभालते स्वयं सेवकों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो सीरीज के साथ कुछ और वीडियो जो कहानी होती है कुछ से होते उनको सुनाने का मन होता है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए नहीं सुनाता हूँ। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं, उसे भी देखिए। धन्यवाद।